फाइनली हम भाई पहुंच गए। हाँ 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 क्या बात है यार। तो अभी मैं हूँ त्रिउंड, त्रिउंड का ये बिल्कुल टॉप है जहाँ पे अभी मैं हूँ। ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, आप चारों तरफ देखिए भाई। यहाँ पे आके ना हमारी ये यात्रा सफर रही है। ये जो हमारा ट्रिप था ऑसम, यहाँ से आप व्यू देखो वाओ। तो हम 8:30 बजे चले थे ना, 8:30 बजे चले थे और 11:30 पहुँचे। कितने हो गए? तो यार वाओ क्या बात है, 3 घंटे में हमने त्रिउंड ट्रैक कंप्लीट कर लिया। तो ये वाला पहाड़ हमें नीचे से दिख रहा था बिल्कुल, ये वहाँ तक तो यार पहुँचना नामुमकिन है। यहाँ तक हमारी पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब होगी। तो वैसे वहाँ तक तो पता नहीं कोई गया भी है कि नहीं। तो ये पहाड़ी पे काफ़ी लोग आ रखे हैं घूमने के लिए। क्या बात है यार, तो चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। मज़ा आ गया। सिप्पू सिग्नल वगैरह है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। यहाँ से देखो वाओ क्या बात है। हा 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 यार इमेजिन, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि लाइफ में मैं यहाँ पे पहुँच। तो यार ये शिवलिंग भी यहाँ पे है, देखो लोग आते हैं यार। वाओ क्या बात है। बादल कहाँ तक आ गए? देखो हम वहीं वहाँ से आए हैं, अब वहाँ पे बादल आ गए। देखो ओह बाप रे, ये देखो भाई वो पहाड़ी दिख रही थी ना पहले जो टॉप था, अब नहीं दिख रही। तो यहाँ पे अभी अब हमें एक अंकल मिले थे, वो जो गेस्ट हाउस देख रहे हैं ना वो गेस्ट हाउस उनका था। अभी हमें वो गाइड करके गए हैं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे के गए हैं यहाँ की। वो बोल रहे अभी 4 बजे तक यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा बादलों से, है ना, और 4 बजे के बाद धीरे धीरे बादल उतरेंगे, फिर दिखेगा यहाँ पे जो कुछ भी दिखेगा। वो देखो बादल आ रहे हैं, वो देखो वो बादल चढ़ रहे हैं ऊपर, वो चलें फिर नीचे। अंकल ने बोला भी यहाँ बादल अभी आने वाले हैं, तो अंकल की बात सही होगी यार। देख बादल ना आने शुरू हो गए कितने ज़्यादा, देखो ये देखो इस पहाड़ी के उस साइड चंबा डलहौजी उस साइड दिख ही नहीं रही, वो पीक एक में पूरी विजिबिलिटी पूरा हाँ। विजिबल था। मैं वही कह रहा हूँ बादल आ गए ना, ठंड हो गई है, ठंड लगने लगी हमको। देखो यार अभी ना हम यहाँ से आए, देखो बादल यहाँ पे आ गए हैं, देखो जिस पहाड़ी पे अभी हैं। तो ये भी अभी पूरी कवर होने वाली है, ये देखो पहाड़ और ये बादल भी इधर को ही आ रहे हैं। देखो वाह क्या बात है यार, बाइक अगर यहाँ पे आ जाती ना यार मजा आ गया भाई। कितनी फास्ट आ रहे हैं बादल, देखो वीडियो में पता नहीं दिख रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं कुछ। यार ये वाली लोकेशन है सुपरनीत ऑसम है, बादल दिख रहे हैं ना नीचे। तो यार इमेजिन करो मैं यहाँ पे हूँ, आप वीडियो पे देख रहे हो, तो इमेजिन नहीं कर सकोगे आप यार यहाँ पे आके क्या कुछ हमको मिल गया। एक देखने वाली बात सिर्फ ये भी है, सिर्फ इस पहाड़ी पे और जिस पे अभी हम हैं बर्फ़ सिर्फ इसी पे है ना, जिधर से हम आए हैं ना उधर बर्फ़ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ इधर बर्फ़ है और जिस पहाड़ी पे अभी हम हैं स्नोफॉल, या तो इस पहाड़ी से ना पीछे पीछे स्नोफॉल हो रही है, उस साइड नहीं हो रही। सूरज बिल्कुल नज़दीक है हमारे। यार अभी हम यहाँ पे आधा पौना घंटा 1 घंटा तक रुकेंगे, रेस्ट करेंगे,
फिर यहाँ से वापस चलेंगे। हमारी तो जिंदगी सफल हो गई यहाँ पे आके, ये वाला ट्रिप तो बिल्कुल सफल हो गया। ये देखो, वाओ। तो यार हम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्योंकि हमारे होटल वाला बोल रहा था कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ले अगर हम उनकी वेट में बैठे रहते तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। तो यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बिस्किट और चॉकलेट्स के साथ। तो हमारी यात्रा सफल हो गई यहाँ पे। ओहो, तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यार, फिर वापस जाएंगे, थोड़ा यहाँ का जो व्यू है ना इसका नज़ारा ले लें, फिर चलेंगे हम नीचे। फिलहाल आप यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखो भाई क्या बात है, वाह। हाँ नीचे भी है ना, क्या बात है। क्या बात है, है ना असली नज़ारा यार, जन्नत है, सच में जन्नत है ना यार। पैर स्लिप हो रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे ना व्यू और भी अच्छा होता जा रहा है देखो। लेकिन अभी हम सोच रहे यहाँ से वापस चले जाएं तो बढ़िया रहेंगे। तो ये देखो बस ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, मतलब कि होटल वगैरह जहाँ अगर आपने स्टे करनी रात को, स्लिपरी है तो हम ना नीचे उतरने लग गए। चल चल यार वाटरफॉल भी जाना आप। तो भाई ये सुपनीत ये स्विमिंग पूल देखने आया था बस। कहीं तू नीचे मत, ये वाओ। ओ स्लिप हो रहा, ओ तेरी। कहीं ऐसा ना हो यहाँ से कहीं अंदर से जाएं हम। तो ये छोटा सा स्विमिंग पूल यार मज़ा आ गया। सुपनी मैं ये कहता हूँ यार इससे आगे जाने का ना हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई ना यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजार लिया, पूरे मज़े किए यहाँ पे और फोटोज़ वगैरह खींची हमने बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कि आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगी, जाके फॉलो करो। बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो आई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है वही। तो तकरीबन सारे लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मैं तो भाई ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ।
दोस्तों फुल एंजॉय किया हमने यहाँ पे। तो अभी वापस जाने की तैयारी। तो भाई GSV89 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।